आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो होगा ही, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नाबालिग लड़की के साथ तीन हैवानों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। मामला बागपत के रामाला का है। सोशल मीडिया में इस गैंगरेप पीड़िता की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पीड़िता रोते बिलखते हुए नजर आ रही है। पीड़िता के साथ तीन युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कड़ी कार्रवाई की जा रही है, मगर सवाल उठ रहा है कि इस तरह से आखिर कब तक महिलाएं, क्या छोटी बच्चियां कब तक इस तरह की घटनाओं का शिकार होती रहेंगी। 27/4/2024 को थाना रमाला के असारा गांव से एक नाबालिग लड़की के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, सकुशल लड़की को बरामद किया गया। लड़की द्वारा बताया गया कि गांव के ही एक लड़के व उसके दोस्तों ने उसके साथ गलत काम किया गया है। उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू।